सो वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक है, सब लोग सेफ है। और आज भी मैं कलेक्टिव रीडिंग ही करूँगी, ओके, क्योंकि आज संडे है तो थोड़ा सा चीज़ें ऑफ बैलेंस हो गई थी, टाइम कम पड़ रहा है मुझे, तो मैंने सोचा कि कलेक्टिव रीडिंग ही की जाए। ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये बात आपको याद रखनी है कि हर एक मैसेज हर एक के लिए नहीं होगा। तो आज जो हम ये कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, ये टॉपिक का नाम तो आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा। ये टॉपिक है कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। नो मैटर आप दोनों में क्या चल रहा है, आप दोनों दूर हो, बात नहीं हो रही है, सेपरेशन चल रहा है, या नॉर्मल सी आप दोनों में झगड़ा वगड़ा कुछ हो गया है और आपके पर्सन अभी बात नहीं कर रहे आपसे, तो आपके पर्सन ऐसे टाइम पे आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए, उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो मैं डेक यूज़ कर रही हूँ वो कल का ही डेक है, वो है फेरी टैरो, और हम लोग क्लैरिफायर्स के तौर पर यूज़ करेंगे। कौन सा है? ओके, वाइल्ड अननोन। ओके, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है कार्ड्स लेने में तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग खरीद सकते हो। एनीवेज शुरुआत करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्स, ठीक है, ओके, द मैजिशियन, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। दिखा देती हूँ आपको कार्ड्स ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, और बॉटम ऑफ डेक है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। तो पहले मैं साइंस बता देती हूँ कि आप किन किन से डील कर रहे हो। आप डील कर रहे हो वाटर साइन से, फायर साइन से, वाटर साइन यानी स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, फायर साइन एरीज, लियो, साज, फायर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, तो बात करते हैं आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। देखिए, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन दे वॉन्ट टू टेल यू दैट दे वॉन्ट टू चेंज थिंग्स, वो इस सिचुएशन में कुछ चेंज देखना चाहते हैं, वो सिचुएशन को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, एंड दे लव यू अ लॉट इज वॉट दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू नो। ओके, ये आपको बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें आगे लेके जाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को वन स्टेप फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि दे वॉन्ट समथिंग मेजर टू हैपन, जिसमें सारी नेगेटिव चीज़ें या सारी अनसर्टेनिटी बदल जाए, पॉजिटिव चीज़ों में सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यही पर्सन आपके बताना चाहते हैं आपको कि वो चीज़ों को ठीक होते हुए देखना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप में डोमिनेंट बनना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि आप उनकी बातें सुने, आप वो जो चाहते हैं वो करें, ठीक है। मैं सिर्फ आपके पर्सन की परसेप्शन और वो क्या बताना चाहते हैं वो बता रही हूँ, बाकी ये आपको नेगेटिवली लेना है या पॉजिटिवली लेना है या आपके ऊपर एंड ऑफ द डे में। मुझे लगता है ये पर्सन ना आपके लाइफ में डोमिनेंस रखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आप ये वो खोना नहीं चाहते बेसिकली, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं सिचुएशन में, तो बहुत ये बहुत होपफुल है सिचुएशन को लेकर,
ठीक है, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन चाहते हैं कि अगर आप किसी कंफ्यूजन में हो, आपके दिमाग में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका अटेंशन पाना चाह रहे हैं, तो ये इस चीज़ का ना उनको जेलसी होती है, उनको पसंद नहीं आता है कि आपका अटेंशन कोई और ले ले, दे वॉन्ट टू हैव योर अटेंशन, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप यू नो सबकी नज़रों में रहते हो, तो इनको ये चीज़ इतना पसंद नहीं आती है, इनको चाहिए कि आपके लाइफ में इनकी डोमिनेंस चले, ये जो चाहते हैं वैसे आप करो, ये जो चाहते हैं वैसे आप रहो, इनको बेसिकली आपके लाइफ में डोमिनेंस चाहिए, और बहुत मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत पजेसिव है आपको लेकर, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी जो ये नहीं चाहते कि आपका ध्यान कहीं और लगे, आपका ध्यान कहीं और भटके, ये चाहते हैं कि पूरा ध्यान इनके ऊपर हो, तो बेसिकली दिस पर्सन इज़ क्वाइट पजेसिव, और ये चाहते हैं कि आप जान लो कि मैं भाई मैं बहुत पजेसिव हूँ, मुझे तुमको खोना नहीं है कभी भी। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, दे हैव अ होल्ड ऑन देयर फीलिंग्स, उनको लगता है कि उनकी फीलिंग, मुझे लगता है कि इनकी फीलिंग्स ना काफ़ी स्ट्रांग है, और वो अपनी सारी फीलिंग्स को बस आपके लिए रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप जाने कि भाई मेरे सारी फीलिंग्स तेरे लिए ही है, मैं किसी और के बारे में नहीं सोचता हूँ, और तुम भी मत सोचो, तो नो मैटर व्हाट सिचुएशन इज़, आप लोग साथ में हो या नहीं हो, ये नहीं चाहते कि आपका अटेंशन कोई और ले, ठीक है, बहुत पजेसिव सी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि दो चीज़ें हो सकती है, एक तो आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, आप यू नो यू आर, आप अपनी लाइफ में कुछ पा लिया है, आपने इंडिपेंडेंट हो, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, चाहे फाइनेंशियली हो या कोई भी चीज़ हो, तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद है आपके बारे में, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो फिर ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है तो ये चाहते कि आप ऐसे बन जाओ कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, लेकिन ये आपको हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू, दे लव यू अ लॉट, मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी ये पर्सन ना इस रिलेशनशिप पे डेफिनेटली वन स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहते हैं, ये चाहते कि आप एक बड़े डिसीजन लो, कमिटमेंट के बारे में सोचो, और ये भी वही सोच रहे, ठीक है। Let me clarify some cards. Actually, ये person मुझे थोड़े से possessive type के ज़्यादा लग रहे हैं, इनको नहीं पसंद आता जब आपका attention कहीं और होता है, आप किसी और को ज़्यादा attention देते हो। Why is Queen of Cups here? और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेके काफ़ी सेंसिटिव भी है, इनको पसंद नहीं आता है कि आप इनको इग्नोर करते हो, या जब कभी भी आप इनको निगलेक्ट करते हो तो इनको ये चीज़ पसंद नहीं आती है, और बहुत परेशान से हो जाते हैं, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, क्योंकि द डेथ, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन, दिस पर्सनस लव इज़ नेवर एंडिंग, आई थिंक ये एक, सॉरी द डेविल कार्ड आया है, पता नहीं मैंने डेथ क्यों बोला, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना अपने आप को आपके आपका ही पार्ट समझते हैं, चाहे ये आपको अपने आप को आपसे कितना भी दूर रखने की कोशिश करे, दे फील यू नो दे ग्रेविटेट बैक टू यू विद दिस डेविल कार्ड, इनके इमोशंस आपके लिए ही है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए ही है, ये आपसे हट कर नहीं सोच पाते हैं, ये आपको छोड़ कर नहीं रह पाते, इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर विद दिस डेविल कार्ड, सो देयर इज़ अ स्ट्रेंज पुल दिस पर्सन फील्स फॉर यू, ओके, वाई सेवन ऑफ कप्स हियर, सेवन ऑफ कप्स, ओके, मुझे लग रहा है कि इनको लगता है कि आप ना किसी और पे फोकस ना करके आपका पूरा फोकस इनको चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने आपके ऊपर काफ़ी अपने इन्वेस्ट किए हैं फीलिंग्स, अपने इमोशंस, और वो नहीं चाहते कि वो सारे जायज़ यू नो ये नहीं चाहते कि आपका अटेंशन कोई और लेके इनके फीलिंग्स को जस्टिस मिले, ये चाहते कि इनके फीलिंग्स को जस्टिस मिले, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने अपने आप को काफ़ी इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, तो ये आपको गंवाना नहीं चाहते, पूरा अटेंशन अपने ऊपर ही चाहते हैं, ठीक है, एंड दे वॉन्ट टू गिव यू जस्टिस, ये आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस देना चाहते हैं, और बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं ये पर्सन, ठीक है, बहुत आगे की सोचता है ये बंदा, आजकल की नहीं सोचता है, इसके जो भी इंटेंशंस रहते हैं काफ़ी आगे की सोचने वाला बंदा लग रहा है मुझे ये, ठीक है। व्हाट इज दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स हियर,
और ये कोई एक्शन भी लेना चाहते हैं, आई थिंक ये प्लान कर रहे हैं आपके पास कैसे वापस आया जाए काफ़ी लोगों के लिए, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में होते, ये पर्सन चाहते हैं कि कैसे वापस जाऊँ मैं इसकी लाइफ में, इसके बारे में सोच रहे हैं। बस किंग ऑफ वॉन्ट्स हियर, द फूल, मुझे लग रहा है ना इनको कहीं ना कहीं ये भी डर है कि अगर इन्होंने काफ़ी टाइम ले लिया आपसे दूर रहे काफ़ी टाइम के लिए, आपको कोई भी कोई कमिटमेंट नहीं दिया या कॉन्टैक्ट नहीं किया, तो मे बी ये आपको लूज़ कर जाएंगे और आप इंटरेस्ट खो दोगे, तो ये डर कहीं ना कहीं, एक्चुअली ये पर्सन काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ लेके चलता है जिसके ऊपर इसको वर्क करना चाहिए। ओके, फूल अगेन, फूल डेफिनेटली, मुझे लग रहा है इस पर्सन को थोड़ा सा दे नीड टू टेक इट ईजी, बहुत इनसिक्योरिटी, जेलसी और ऑब्सेशन नज़र, मतलब पजेसिवनेस के ऊपर जाके मुझे ऑब्सेसिवनेस नज़र आ रही है। वॉट इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट, इनको आपकी एक और बात अच्छी लगती है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप यू नो अपने लिए स्टैंड लेते हो, ये चीज़ इनको काफ़ी पसंद है, बहुत बोल्ड हो, ठीक है, डेफिनेटली दे आर हाईली अट्रैक्टेड टू, ये एक पुल फील करते हैं, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं आपकी तरफ, और ये आपको एक ब्यूटिफुल स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट एंड बोल्ड पर्सन की तरह देखते हैं, दे लव यू अ लॉट, लाइक दिस पर्सन सीज यू लाइक द हाई प्रीस्टेस, लाइक योर स्पिरिचुअल, योर गिफ्टेड पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं ये आपको, ठीक है, हाई अट्रैक्शन भी है, लाइक आपके सिवा ये पर्सन किसी और के बारे में किसी भी तरह नहीं सोच पाते। वॉट इज़ दिस टेम्परेंस अबाउट, what is this temperance about, what is this temperance in this reading, definitely they are heading towards you, ये आपको बताना चाहते हैं, अगर बताना चाहते तो है लेकिन बता नहीं पा रहे क्योंकि they are not in contact with you, right, so they want to let you know that they are coming back, they are coming towards you, they are heading towards you to make the thing, you know, to balance out things, ये चीज़ों को balance out करना चाहते हैं और उसके लिए ये बंदा वापस आ रहा है, तो आपको रेडी रहना है इस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए अपने लाइफ में, ठीक है। व्हाट इज द मैजिशियन कार्ड इन दिस रीडिंग, व्हाट इज द मैजिशियन कार्ड हियर इन दिस स्प्रेड, प्लीज गाइड मी, फादर ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली दे वांट टू प्रोटेक्ट यू, दे वांट टू, दे डोंट वांट टू लूज यू, वो आपको कभी खोना नहीं चाहता, ये बंदा कभी आपको खोना नहीं चाहता है, तो ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपको यू नो एक फादरली फिगर की तरह आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू लूज़ यू एंड दे वांट टू चेंज थिंग्स, बेसिकली एक्शन लेना चाहते क्योंकि आपको खोना नहीं चाह रहे, और यू आर समथिंग जो इनके लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हुए हैं, ऐसी चीज़ इनके इन्होंने एक्सपीरियंस किया है और इनको ये खोना नहीं है, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, सेवन ऑफ कप्स, आई थिंक डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत ट्रस्ट इशूज़ भी है, आई थिंक आपसे आपके लिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है, पर्सन की तरफ, ये पर्सन आपके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, ये चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली, अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आपको क्या करना चाहिए। काइंडनेस, you are a humanitarian made of love and you are able to share that energy with others, I think definitely you need to realize ki aapke andar wo power hai ki aap apna love share kar sakte ho and you need to be kind to people, you need to be kind to yourself, aapke khud se bhi pyar karna seekho, kind bano, khud se harsh mat bano, jo bhi situation chal rahi hai it will end definitely, theek hai, bharosa rakhiye, priorities, apne priorities ko recheck kijiye aur reset kijiye, you understand the paramount importance of manifesting love in all situations, तो definitely मुझे लग रहा है कि आपको अपनी चीज़ों को फिर से reprioritize करना चाहिए, आपको फिर से एक बार सोचना चाहिए कि किन चीज़ों को आपको priority number one पे रखना है, किन चीज़ों को आपको you know they can be handled later, loyalty, definitely I think आप अगर आप इस relationship से loyalty expect करते हो, आपको भी loyal रहना बहुत ज़रूरी है, यू नो थिंग्स वोंट वर्क इफ यू आर नॉट लॉयल, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है, तो आपको भी लॉयल रहना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए चार्म्स देख लेते हैं, व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू, ठीक है, ये कुछ चार्म्स हैं यहाँ पे, ओके,
डेडिकेटेड भी होते हैं तो उसको छोड़ देंगे हम लोग. ओके, तो डेफिनेटली हैप्पीनेस इज कमिंग इन योर लाइफ. ये है सन और डेफिनेटली हैप्पीनेस आ रहा है आपके लाइफ में. बी रेडी टू रिसीव इट. ओके, दिस इज़ अ ट्री ऑफ लाइफ. आई थिंक आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है. आप यू नो यू विल बी मोर ग्राउंडेड एंड यू विल बी मोर यू नो आपके लाइफ में अबंडेंस और ग्रोथ आ रहा है. लीव्स भी आ रहे हैं यहाँ पे. डेफिनेटली सम थिंग्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, सम थिंग्स दैट वर नॉट सर्विंग यू, आपके लाइफ से निकल जाएगी वो चीज़ें. ठीक है, फिर से लीव है यहाँ पे और यहाँ पे है फिर से लीव्स है. कुछ बहुत सारे लीव्स मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे रोज़ है. ये टोकन ऑफ लव होता है तो आपके लाइफ में टोकन ऑफ लव आ रहा है. एंड बेसिकली मुझे यहाँ पे स्टार्स दिखाई दे रहे हैं तो ये स्टार्स डिनोट करते हैं कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है. लीव्स वापस, बहुत सारे लीव्स है यहाँ पे. प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके लाइफ में. ओके, यू नीड टू ओपन, यू नीड टू बी मोर ओपन एंड रिसीविंग टू थिंग्स. एंड फिर से एक बार ये फ्लावर है, डेफिनेटली टोकन ऑफ लव. बहुत सारी खुशियाँ आ रही है आपकी लाइफ में. यू जस्ट नीड टू बी मोर एक्सेप्टिंग टू इट. ओके, अब हम देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस और इस रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं. ओके, यहाँ पे है कुछ हैंड रिटन मैसेजेस. मैं रैंडमली कुछ मैसेजेस निकालूंगी. ओके, कुछ और. ओके, मुझसे शादी करोगी? तो ये आपसे पूछे कि मुझसे आप शादी करोगे? मुझसे शादी करो. मैरी मी. फिर से बहुत लोगों की लाइफ में कमिटमेंट आ रहा है जो काफ़ी टाइम से मिसिंग था ना, वो कमिटमेंट अभी आपको मिलेगा. ठीक है, जस्ट बी रेडी फॉर इट. यू हैव माय हार्ट, कीप इट सेफ. तो ये बोल रहे हैं कि यू नो यू हैव माय हार्ट, जस्ट कीप इट सेफ. सब ठीक होगा पगलू. ओके, तो ये बोल रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा. जस्ट बी यू नो ओपन टू रिसीविंग गुड थिंग्स नाउ. रीडिंग आवर ओल्ड चैट्स. तो ये पुरानी चैट्स को पढ़ रहे हैं. अच्छा, सॉन्ग है वो लम्हे वो रातें, कोई न जाने थी कैसी रातें हो बरसाते. मुझे भूल मत जाना. मुझे ये मैसेज बहुत ब्यूटीफुल लगा. जस्ट लुक एट इट. मुझे भूल मत जाना. तो ये बोल रहे हैं कि मुझे भूल मत जा. आई होप आपको दिखाई दे रहा है. ये ना फोकस नहीं कर पाता है. ओके, मुझे भूल मत जाना. नेक्स्ट मैसेज है सरप्राइजेस कमिंग. मैंने आपको बोला था अबंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में. बहुत सी फालतू की चीज़ें जो आपके ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रही थी आपको, यू विल गेट रिड ऑफ दोज थिंग्स और सरप्राइजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में. ओके, प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, फिर ये क्या सिलसिले हो गए. बेवफा हम नहीं भी अब और दूर नहीं रहा जाता. कितने अच्छे मैसेजेस हैं. मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे ये दो मैसेजेस बहुत पसंद आए हैं. कहाँ गया वो मैसेज? जस्ट लुक एट दीज मैसेजेस. अब और दूर नहीं रहा जाता, मुझे भूल मत जाना. तो ये आपको बोल रहा है कि मुझसे और दूर नहीं जाना जाता, प्लीज़ मुझे भूलना मत, मैं आ रहा हूँ वापस. अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा है. हाँ, अब देखना, अब देखिए ये मैसेज, मुझे भूल मत जाना. वाओ. और जो लास्ट मैसेज है वो है कमिंग टुगेदर, रिकंसलेशन. ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल. देखिए, भूल मत जाना, कमिंग टुगेदर. बहुत ब्यूटीफुल है. ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है. और पसंद आई है तो आपको पता ही है मुझे आपका लव और प्यार दिखाने के लिए आपको क्या करना है. सिर्फ लाइक करना है वीडियो को. इस वीडियो पे हम लोग एम करते हैं 12,000 लाइक्स. ओके, 12,000 पे प्लीज़ पहुँचा देना लाइक्स को. आप लोग मुझसे प्यार करते हो ना, तो प्यार दिखाने का क्या तरीका है? लाइक करना है आपको. कुछ नहीं करना है, नीचे जो लाइक का बटन दिख रहा है उस पर टैप करना है, बस इतना ही करना है. और हमारा चैनल जल्दी जल्दी ग्रो होगा और हम लोग बहुत बड़ी फैमिली बन जाएंगे मिस्टेक हिंदी टैरो की. ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस. लव यू अ लॉट एंड प्लीज़ अपना ख्याल रखना. ओके, लव यू अ लॉट.